हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्जोर से। आज हम बात करेंगे कनाडा में जो स्टूडेंट्स री अप्लाई कर रहे हैं उनकी वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है और किन की आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमें पीपीआर आ जाएगी या किन को हो सकता है कि दोबारा से भी रिफ्यूजल्स का सामना करना पड़ेगा। तो जो मेन बात है कि आज जिन स्टूडेंट्स ने अपनी री अप्लाई करी हुई है केसेस, और अगर तो उनका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, अगर उनके मान लीजिए 7 बैंड्स हैं, 60% से अबव मार्क्स हैं, 65-70%, तो उनको तो अगर वो रीअप्लाई करते हैं सेम प्रोफाइल पे भी दोबारा एक अच्छी सी एसओपी लगा के, तो उनके चांसेस ब्राइट हैं। पर जिन स्टूडेंट्स की अगर प्रोफाइल नॉन एसडीएस है, या नॉन एसडीएस में वो भी आता है जिनके एक में आइल्स में 5.5 है, या जिनका कोई बहुत लंबा गैप है, या उनकी एकेडमिक्स लो हैं, तो उनको थोड़ा सा ये है कि उनकी प्रोबेबिलिटीज अब रीअप्लाई के बाद भी कम है। अगर उन्होंने नहीं करी तो आगे अभी रीअप्लाई ना करें, अगर आयल्स कर लें, आयल्स रिपीट करके कर लें रीअप्लाई, या वो अपने प्रोफाइल में कुछ ऐसी चेंजेस लाएं, या हो सकता है कि उनका अगर किसी का कोर्स रेलेवेंट नहीं है, अगर उसको उसी बेस पे आया, अपने कैप्स नोट्स जरूर अप्लाई करिए। अगर आपके कैप्स नोट्स में आपका रीज़न आता है कि आपका कोर्स रेलेवेंसी नहीं है या लो एकेडमिक्स है, तो उन चीज़ों को दूर करिए, फिर आप रीअप्लाई करिए। हाँ, जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा रेलेवेंट कोर्स लिया हुआ है, 70% मार्क्स हैं, 7 बैंड्स हैं, तो वो उनको मैं कहता हूँ कि वो रीअप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स को अपने प्रोफाइल में चेंजेस लाने चाहिए, और मैं हमेशा इस चीज़ पर हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि आप हमेशा उन एरियाज में अप्लाई करिए जहाँ पर रश कम है, क्योंकि आप कनाडा इमिग्रेशन की पॉलिसीज को समझिए, वो उन एरियाज को ज़्यादा बसाना चाह रहे हैं। वो बार बार इस चीज़ पे वो जोर देते हैं कि उन एरियाज पे आप अप्लाई करिए जहाँ पर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वो है AIPP एरियाज, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जहाँ चल रहा है, जिनमें 4 प्रोविंसेस आती हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्राउंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। या उन्होंने स्पेशली कुछ एरियाज RNIP के अंडर करे हुए हैं, वो हर एक प्रोविंस में है, एंटेरियो में भी है, ब्रिटिश कोलंबिया में, हर एक प्रोविंस में उनमें सिटीज हैं। आप उन एरियाज में करेंगे तो आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली हाई रहेगी। आप एक मोटी सी बात समझ के चलिए, मान लीजिए अगर टोरंटो है, टोरंटो में उनके पास मान लीजिए उन्होंने 1000 वीज़ाज देने हैं और एप्लीकेंट 10,000 है, और एक दूसरी जगह है जहाँ पर मान लीजिए वहाँ भी अगर मान लीजिए 1000 वीज़ाज देने हैं तो वहाँ पर सिर्फ एप्लीकेंट 1100 है, तो आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी टोरंटो में ज़्यादा रहेगी या दूसरे एरिया में रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ को सोचिए समझिए, क्योंकि जो हमें कनाडा इमिग्रेशन सिग्नल देता है उसी को अकॉर्डिंगली अगर हम अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बेटर रहेगी। अगर हम कनाडा पहुँचेंगे तभी हमारा फ्यूचर बनेगा, और उसके बाद भी आप कोर्स करने के बाद कहीं भी वर्क कर सकते हैं जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। स्पेशली अटलांटिक रीजन की मैं बात करूँ तो वहाँ सिर्फ 16 मंथ अगर आपने स्टे कर लिया है तो आपको वहाँ पर स्टेट वे पीआर मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है कि 16 मंथ के स्टे के बाद ही, जबकि बाकी जगह पर अगर आप 1 ईयर वर्क करते हैं उसके बाद आप अपनी पीआर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ 16 मंथ के बाद ही आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अटलांटिक रीजन में। मैं इसीलिए स्पेशली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने फ्यूचर को शेप करो, सोचो समझो और इंटेलिजेंटली वाइजली डिसीजन लीजिए। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या हमें नीचे DM कर सकते हैं, हम आपके हर क्वेरी का आंसर करेंगे। चाहे आपने हमारे से फाइल नहीं भी लगाई हुई तो भी हमारा पर्पस ये है कि हम आपको हेल्प कर सके और आप सही डिसीजन ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.